और उसका जो स्पीडोमीटर का सेंसर है ना, ये भी पीछे वाले टायर में है, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हो, ये चीज़ रनिंग है। सेकंड टॉप जुपिटर में किक अवेलेबल रहता है, टॉप में किक नहीं है। जुपिटर 110 जो कि जाने वाला है, पुराना वाला आपको ज़्यादा पसंद आता था या फिर नया वाला आपको ज़्यादा पसंद आने वाला? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है ऑल न्यू TVS जुपिटर 110 सेकंड टॉप वेरिएंट के बारे में। टॉप वेरिएंट है ये रहा, जिसके बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज के वीडियो में कवर अप होगा सेकंड टॉप वाला वेरिएंट, यहाँ पे क्या कुछ आपको मिल जाता है, ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस, ऑन रोड प्राइसिंग सभी वेरियंट्स की, प्लस अभी के लिए अपने पास ओल्ड वाला जुपिटर 110 भी अवेलेबल रहने वाला है और जुपिटर 125 भी अवेलेबल है। जुपिटर 125 से काफ़ी कुछ सिमिलर यहाँ पे आ जाता है, स्पेशली जो फ्रेम है, गाड़ी का चेचिस है, वो चीज़ आपका सेम है, जिस वजह से क्या कुछ आपको मिल जाता है, एक तो अंडर सीट स्पेस काफ़ी अच्छा ये रहा। सो ये डबल आपको एक ना बड़े साइज़ के दो हेलमेट यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। उसी के साथ साथ 110 cc सेगमेंट में इतनी बड़ी सीट और किसी भी स्कूटी की नहीं है। व्हील बेस सेम है एज़ आपका जुपिटर 125। और एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन या फिर न्यूज़ आप लोगों के लिए, वो ये है, अगर आप लोग भी जयपुर से हो, जुपिटर लेना है, नया वाला जुपिटर 125 लेना है, TVS की बेसिकली कोई भी गाड़ी आप लोगों को लेनी है, तो नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डील अच्छी मिल जाएगी, प्लस आपको टेस्ट राइड वाला जो सारा सीन है ना वो भी सॉर्टेड हो जाएगा। तो अगर जयपुर से हो कॉल ज़रूर से कर लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी मेरा नाम अगर आप लोग ले लेते हो तो। अब स्टार्ट करते हैं भैया अपना वीडियो कलर ऑप्शंस के साथ। सो कलर ऑप्शन टोटल 6 यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, जिसमें से दो अभी के लिए अवेलेबल है, एक तो वाइट कलर और एक रेड कलर। उन दोनों ही कलर में ना इस स्कूटी का लुक काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। और जो अपना जुपिटर पहले वाला रहता था ना, ये वाला जो अपना 110 पहले रहता था, यहाँ पर भी कलर ऑप्शंस काफ़ी अच्छे रहते थे, जैसे कि ये है अपना ब्लू वाला, एक रेड रहता था, तो यहाँ भी कलर ऑप्शंस काफ़ी अच्छे ही ना TVS ऑफर करता था। और इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ये सिर्फ जितने भी डीलरशिप पे ओल्ड वाला स्टॉक बचा हुआ है, उसके बाद ये होने वाला है डिसकंटिन्यू। अगर आप लोगों को ये शेप ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, तो आप लोग जल्दी से डीलरशिप पे प्रीफर कॉल कर सकते हो और आपको यहाँ पे ये वाला शेप मिल जाएगा अभी तक के लिए, तो बाद में फिर नहीं मिलेगा। और फिर बाद में आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, कमेंट आते हैं कि भैया पुराना वाला शेप चाहिए, तो अभी जल्दी से टाइम है, थोड़ा बहुत आप लोग जिस भी सिटी में हो वहाँ पे आप लोग नियरेस्ट शोरूम पे कांटेक्ट कर सकते हो। जयपुर के लिए मैंने आप लोगों को नंबर इसीलिए प्रोवाइड करवा दिया है। टोटल कलर रहे 6, टोटल वेरिएंट हैं यहाँ पे 4, जिसमें से सेकंड टॉप ये रहा, टॉप ये रहा, इससे नीचे एक हो जाएगा अलॉय ड्रम और विदाउट स्मार्ट एक्स कनेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्ट मिल जाता है ना, इससे नीचे वाले में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, BT कनेक्टिविटी भी नहीं मिलेगी। और जो बेस हो जाएगा, बेस में आपको मिलेगा स्टील रिम विथ ड्रम ब्रेक विदाउट स्मार्ट एक्स कनेक्ट, तो ये वाली एक चीज़ है। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता हूँ ना स्टार्ट में ही, ये जो अलॉय है, ये शेप देख रहे हो, ये है टॉप वेरियंट जुपिटर नया वाला। अब सेम ही अलॉय ना आपको जो पुराना वाला जुपिटर आया करता था ना, इसमें भी मिलता था, तो अलॉय यहाँ पर प्रॉपरली सेम ही है। टायर की ग्रेडिंग भी सेम है, 90-90-12, वही चीज़ आपको यहाँ भी मिलेगा। फ्रंट भी 12 इंचेस है, रियर भी 12 इंच का ही रहने वाला है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो प्राइसिंग के साथ। सो ऑन रोड जयपुर सेकंड टॉप वेरिएंट कॉस्ट करने वाला है विदाउट एसेसरीज 101,000, 1.01 ऑन रोड जयपुर। टॉप रहेगा 105,000, 1.05, 1.01, नीचे के दोनों वेरिएंट की प्राइस आप लोगों को आगे चल के मिल जाएगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ मिलता है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट, BT कनेक्टिविटी के साथ और काफ़ी सारे फीचर्स MID में ऐड हो जाते हैं। ये रहा आपका सेंटर वाला पार्ट पियानो ब्लैक में, सभी कलर ऑप्शन में ये चीज़ आपका सेम ही रहेगा। हेडलैम्प LED में है, जो कि अपन लोग आगे चल के एग्जॉस्ट नोट के साथ ऑन करके देख लेंगे। फाइबर बॉडी और मेटल बॉडी चेक करते हैं, तो ये फाइबर है, ये फाइबर है, ये भी फाइबर है, यहाँ आती है लोहे की आवाज़, ये है मेटल में। रियर बॉडी भी कंप्लीट आपका मेटल में ही रहने वाली है सभी वेरिएंट्स में। अब इस वेरिएंट की एक चीज़ और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, जो कि अच्छी है एज़ कम्पेयर टू टॉप। अब यहाँ पे डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता है, वो चीज़ तो है, बट यहाँ पे सेकेंड टॉप में आपको किक मिल जाती है, जो कि टॉप वेरियंट में किक अवेलेबल नहीं रहता, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। फ्रंट में आ जाता है कनेक्टिविटी, DRL वाला पार्ट, जो कि कारों में आजकल ना काफ़ी फेमस हुआ हुआ है, स्पेशली होंडा ने और टाटा में। सो ये एक प्रॉपर LED वाला पार्ट आ जाएगा। TVS का लोगो फ्रंट में है, TVS की मार्किंग पीछे मिलती है, नंबर प्लेट होल्डर आ जाता है, हेडलैम्प अपना हो ही चुका है, काफ़ी रिजेम्बलेंस वाला शेप ये रहता है पुराने जुपिटर से भी। ब्रेक लीवर, ये आपका रियर व्यू मिरर, TVS की प्रॉपर मार्किंग,
इस टाइप से ये अपना फ्रंट हेड और लुक कंप्लीट हजार्ड भी मिल जाता है, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। पियानो ब्लैक का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ भी है पीछे भी है। इस टाइप से ये आपका सेटअप रहेगा फर्स्ट इन सेगमेंट में। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि ये वाला पार्ट हुआ, हजार्ड हुआ, और ये सेम एक ही पार्ट है, इंटीग्रेटेड इंडिकेटर वाला सेटअप यहाँ पे मिल जाएगा। टायर की बात कर लेते हैं पहले, तो फ्रंट में आप लोगों को टायर मिलता है 12 इंच का 90-90, 12-90-90-12। फ्रंट ड्रम की बात करते हैं तो ये है अपना 130mm का, 130mm ड्रम आ गया, और 130mm ड्रम ही पीछे है, और सेम टायर की ग्रेडिंग ना पीछे वाले की भी रहेगी, 90-90-12 ही आपका पीछे का भी है। TVS का ये टायर है, जैसे कि TVS में रहता ही है सारी गाड़ियों में, इस टाइप से टायर का पैटर्न। और ये रहा अपना अलॉय का शेप, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। फ्रंट में ये आपका रिफ्लेक्टर आ जाता है, एक अपना जो फ्रंट मडगार्ड है उसका रियर हाफ ये फाइबर में, और एक छोटा वाला पार्ट आ जाएगा जो कि टच आपका ना हो। TVS इंटेलिगो असिस्ट, ये है आपका टॉप पे भी स्टिकर, और ये है आपका सेकंड टॉप पे भी स्टिकर। इसकी बात अपन करेंगे इंजन स्पेसिफिकेशंस के साथ। सो ये तो अपना फ्रंट लुक डन हो जाता है। साइड प्रोफाइल से देखते हैं, सीट हाइट हमें मिलती है टोटल 790mm का, 790mm का सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस है 163mm का। अब फ्यूल टैंक की जो प्लेसिंग है ना, वो आपका रहेगा फूड बोर्ड पे ही, फूड बोर्ड इसके नीचे ही आपका फ्यूल टैंक है। बट डरने वाली बात कुछ है नहीं, वो प्रॉपर ना ट्राइड एंड टेस्टेड सारी चीज़ें रहती हैं, R&D टीम प्रॉपर अपना वर्क करती है, उसके बाद ये चीज़ यहाँ पर है। और ये ऑलरेडी अवेलेबल रहता था जुपिटर 125 में भी, तो जुपिटर 125 भी काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, वहाँ पे भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। ग्राउंड क्लियरेंस 163mm का। व्हील बेस सेम एज जुपिटर 125, 1275, 1275 का टोटल व्हील बेस है। गाड़ी का टोटल वेट है 106 kg टोटल वेट रहने वाला है। इंजन जो पुराने जुपिटर में मिला करता था 109cc का, ये चेंज हो चुका है, यहाँ पे ऑल टुगेदर एक 113cc का इंजन नया आ चुका है। अब बात करते हैं सीट की, सीट का साइज़ भैया काफ़ी बड़ा साइज़ है, सेम साइज़ है जो कि आपको जुपिटर 125 में मिलता है। यहाँ पे प्रॉपर जुपिटर की मार्किंग आपको सेकंड टॉप पे भी मिलेगा। ड्यूल टोन ये है, पियानो ब्लैक का यूज़, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है। सेम है पीछे का लुक प्रॉपर, टॉप का भी और सेकेंड टॉप का भी। टेल टाइड ये रहा, अंडर सीट देख लेते हैं तो 33 लीटर का काफ़ी बड़े साइज़ का यहाँ पे अंडर सीट मिल जाता है। टूरिंग करनी है कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, सारा लगेज आपका ना मेजरली यहाँ पे आ सकता है। लॉन्ग ट्रिप भी भैया जुपिटर बढ़िया प्रॉपर एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इस टाइप से सीट का लेआउट है, फर्स्ट एड किट है, टूल किट मिल जाता है 33 लीटर का। अंडर सीट स्पेस यहाँ पे रहेगा, फ्यूल फिलिंग आपका आगे है 5.1 लीटर के लगभग अराउंड इसका अंडर सीट स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है। सॉरी अंडर सीट नहीं, फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाला है। मेरा ध्यान ना बाहर चला गया था बारिश के ऊपर, ये आ जाता है आपका फुट बोर्ड, काफ़ी बड़ा साइज है, इस पर मैट इंस्टॉल करवाना रहेगा। ये जो एक इनर बॉडी वाला पार्ट है, डैशबोर्ड वाला पार्ट है, इसकी तो क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छा है, और प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्लस जो उसका शेप है ये आप लोग देख सकते हो। वापस आ जाते हैं यार अपने सेकंड टॉप पे ही, क्योंकि एक चीज़ और यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाती है एज टॉप वेरियंट है। यहाँ पर मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच है, जो कि आपको टॉप वेरिएंट में भी मिलेगा। सो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। स्विच सेटअप देखते हैं, हाई बीम लो बीम प्लस पास थ्री इन वन, एक स्विच ये रहा, इंडिकेटर और हजार्ड आपका सेम यही एक स्विच रहेगा। इस टाइप से सिंगल बजर में हॉर्न का स्विच है, ये आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप हो गया, प्लस वॉइस कमांड और स्टार्टर का आपका सेपरेटली स्विच मिल जाता है। साइलेंट स्टार्ट भी यहाँ पे मिल जाता है। MID का स्टार्टअप देखते हैं पहले, डिजिटल MID मिल जाएगा, और कलर का सेटअप कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, ये रहे BT वाले सारे डिवाइस, क्लॉक आ रहा है, हेलमेट रिमाइंडर, हेलो राइडर, इस टाइप से वेलकम फीचर मिलेगा, प्लस ये आपका स्पीडोमीटर है, इको मोड पे अभी गाड़ी है, वो चीज़ एक आपका एक्सेलेटर के अकॉर्डिंग ही सेटअप चेंज रहेगा। ये आपका फ्यूल गेज ब्लिंक हो रहा है, ट्रिप एफ अभी शो रहा है, रेंज भी आ जाती है। BT डिवाइस के बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी, प्लस 10x10 नेविगेशन भी है। एक और बार देखते हैं, देखो ना ये रहा 10x10 नेविगेशन भी है, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, सब कुछ यहाँ पे आपको BT डिवाइस वाली सारे फीचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आएगा उसको प्लीज़ इग्नोर करना, अभी स्टाफ के ना भैया एक मनोरंजन का टाइम चालू है। ट्रिप एफ के साथ साथ ट्रिप ए, ट्रिप बी और ऑडोमीटर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। बाकी इस टाइप से ये कुछ आपका सेटअप डन। एक स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा कि सेम है जुपिटर 125 वाला ही, यहाँ पे आ जाता है एक आपका USB चार्जिंग पोर्ट स्पेस, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये यूटिलिटी स्पेस जो रहता है ना, ये भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ रहती है, एक फोल्डेबल यहाँ पे ये ना हुक भी आ जाएगा लगेज के लिए, जिसको के फोल्ड भी कर सकते हैं, इस टाइप से ये ओपन भी हो सकता है, ये चीज़ भी आपका यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की, पहले कर लेते हैं चलो ना स्कूटी को स्टार्ट। तो साइलेंट स्टार्ट है,
कोल्ड स्टार्ट पे है अभी ना, अब हो गया डन। और इसका जो स्पीडोमीटर का सेंसर है ना, ये भी पीछे वाले टायर में है, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हो, ये चीज़ रनिंग है। तो ये वाला एक सेटअप अपना सारा रहता है। हेडलैम्प का थ्रो देखते हैं, तो हेडलैम्प ऑन होने के बाद भैया ये रहा अपना लुक। और आइडल पे इस साइड से कुछ आपका एग्जॉस्ट ऑन हो तो बनेगा। एग्जॉस्ट ये रहा हीट शील्ड क्रोम वाला, बाकी सब कुछ ये अपनी असेंबली, जुपिटर की मार्किंग मेटल में, ये आपका बॉडी रहेगा। और ये रहा अपना टेल सेक्शन, TVS की मार्किंग, पियानो ब्लैक, पियानो ब्लैक। अब ये पियानो ब्लैक जो रहता है ना, इसकी भी कहानी बताता हूँ तुम्हें ना। इसको कर देते हैं बंद, दोबारा से कर देते हैं ऑन। अब ये पियानो ब्लैक जो रहता है ना, पियानो ब्लैक टाइम के साथ साथ तो अच्छा लगता है, बट इसके ऊपर आपको प्रोटेक्शन के लिए PPF की ज़रूरत बिल्कुल ना भरपूर रहती है, क्योंकि जब ये गंदा होगा या फिर टाइम के साथ ना, ये तो काफ़ी ऑड ये वाला फील प्रॉपर आता है। तो ये एक चीज़ है जिसके लिए PPF आपका ज़रूरी हो जाता है। बात कर लेते हैं जी इंजन स्पेसिफिकेशंस की। ये लो सेकंड टॉप की भी सीट देख लो। वीडियो ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा हो चुका है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये रहा अपना सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन, रियर में मल्टीपल वे एडजस्टमेंट, किक यहाँ पे मिल जाएगा। सेकंड टॉप जुपिटर में किक अवेलेबल रहता है, टॉप में किक नहीं है। TVS का टायर वही सेम 90-90-12। इसकी भी आपकी रियर की भी ग्रेडिंग रहने वाली है, ये रही 90-90-12-130 ड्रम रियर में है। इंजन की बात करते हैं, जो कि प्रॉपरली एक नया इंजन यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है, 113.3 cc, 113.3 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कोल्ड CVTi 4-स्ट्रोक इंजन यहाँ पे मिल जाता है। पावर रहने वाला है 7.91 HP का और 9.2 Nm का टोटल आपका टॉर्क है। और जो एक बूस्ट असिस्ट है ना, इंटेलिगो असिस्ट जिसका स्टिकर अपन ने देखा था, वहाँ पे टॉर्क आपको मिलता है 9.8 Nm का टोटल आपको टॉर्क मिलेगा इंटेलिगो असिस्ट पे। सो वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। 106 kg टोटल आपका जुपिटर नए वाले का वेट रहेगा। सो वीडियो जी ऑलमोस्ट अपना डन। अब बात करते हैं अदर टू वेरिएंट्स की प्राइसिंग की। सो जुपिटर 110 नया वाला बेस वेरिएंट, स्टार्टिंग प्राइस आपकी रहने वाली है 91,700 rupees, 91,700 rupees रहेगा बेस। फिर सेकंड बेस आ जाएगा 96,700, 96,700 rupees। फिर ये वाला आ जाएगा 101,000 और 105,000 में टॉप और डन फिनिश। सो ये लो जी प्राइसिंग भी आप लोगों को मिल चुकी है। सो करते हैं जी अपना वीडियो एंड। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कौन सा वेरिएंट आप लोगों को पसंद आया, कौन सा कलर आप लोगों को पसंद आया, ये तीनों ही चीज़ें कमेंट में ज़रूर से बता देनी है। और एक और चीज़, जुपिटर 110 जो कि जाने वाला है, पुराना वाला आपको ज़्यादा पसंद आता था या फिर नया वाला आपको ज़्यादा पसंद आने वाला है। एक बार जुपिटर 125 भी देख लेते हैं। जुपिटर 125 से काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस नई वाली 110 का भी आपका रहने वाला है। 125 का भी वीडियो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए आ जाएगा। करते हैं वीडियो एंड और मिलते हैं कल रात 9 बजे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।